नमस्कार, मैं संज्ञा श्री रमेश अय्याज जी की सुपुत्री। रमेश अय्याज जी का परिचय देते हुए उनकी किताब दोस्त है भीगना नहीं चाहते से कुछ कविता आप सबके समक्ष पढ़ने की चेष्टा कर रही हूँ। रमेश अय्याज जी का जन्म 5 जनवरी 1954 पटना में हुआ। 1974 से उन्होंने दिल्ली में ही अपना निवास बना लिया और साहित्य की दुनिया में अपना स्थान बाल साहित्यकार के रूप में स्थापित किया। रमेश जी की कविताओं की किताब सुन भई भालू के लिए उन्हें 1991 में हिंदी एकेडमी दिल्ली से बाल साहित्य पुरस्कार और चौथी धरती का खिलौना के लिए 1994 में साहित्यकार संसद समस्तीपुर से विष्णु शर्मा सम्मान से सम्मानित किया गया। मैं यहाँ दोस्त है भीगना नहीं चाहते किताब पर नागार्जुन जी की लिखी भूमिका के कुछ अंश पढ़ रही हूँ। इस विद्रोही कवि के अंदर बड़ी आग है, बड़ा जहर है। उसको जाहिर करने के लिए इस तरह के कई संकलन भी काफी नहीं पड़ेंगे, मगर जीविका के लिए, रोजमर्रा खर्चा चलाने के लिए उसे क्या क्या पापड़ बेलने पड़ते हैं इसका पता लगाओ। मुमकिन है बिना नाश्ता किए सवेरे वो यूं ही घर से निकल पड़ा होगा और रात में लौटते तक पेट भर खाना भी कवि को नसीब ना हुआ होगा। फिर तुम इस कवि को राहत कैसे पहुंचाओगे? जो भीगेंगे वो और कोई नहीं होंगे, हम ही हम होंगे। वो चाहेगा नहीं, कर गुजरेगा। तो चलिए मैं आपके समक्ष उनकी एक कविता जिसका शीर्षक है दोस्त है भीगना नहीं चाहते प्रस्तुत कर रही हूँ। मेरे फला फला और फला दोस्तों की इच्छा है, मेरे फला फला और फला दोस्तों की इच्छा है, नदी पार जाया जाए। जहाँ गेहूँ है, चावल है, मकई के भुट्टे और सरसों चने का साग है और हरियाली, सूरज की सुनहली धूप, मन को ठंडक पहुंचाती हवा और वह सब जो यहाँ नहीं है। यहाँ ना लकड़ी है, ना काठ कबाड़, ना कील है, ना केले का धम, ना बांस, ना मिट्टी का घड़ा। फिर कैसे पार जाया जाए? दोस्त है कि पानी में भीगना नहीं चाहते, दोस्त है कि पानी में भीगना नहीं चाहते। मेरे फला फला और फला दोस्तों की इच्छा है कि कोई एक जाए उस पार और वहां से थोड़ी नमी, थोड़ी धूप, थोड़ी खुशबू, थोड़ी हवा अपने कंधों पर उठा लाए और बन जाए देवता इस मरुद्वीप को वो सब सौंप कर। देव पूजन की विरासत में मिली जागीर त्यागना नहीं चाहते मेरे दोस्त। उसी पार टिकी है उनकी आंखें कि कोई देवदूत या पुण्य आत्मा कहीं से आए और अपनी मुस्कुराहट से भर दे सारा द्वीप। तो चलिए अब आगे बढ़ते हुए इसी किताब की दूसरी कविता मैं आपके समक्ष पढ़ती हूँ जिसका शीर्षक है बागी करार दिए जाने का खतरा। उठो चलना सीखो, उठो चलना सीखो, ये सही है कि चलना सीखने में गिरने का डर है, पर कौन कब तक तुम्हारी बेसाखी बनता रहेगा? उठो, उठो चलना सीखो, चलोगे तो हिमालय भी लांग लोगे, वरना छोटे छोटे टीलों से भी डरते रहोगे। सुनो बोलना सीखो, सुनो बोलना सीखो, ये सही है कि बोलना सीखने में बागी करार दिए जाने का खतरा है, पर कौन कब तक तुम्हारी तरफदारी करता रहेगा? सुनो बोलना सीखो, बोलोगे तो जिंदगी के गीत गाओगे, वरना कुत्ते के कान फटफटाने से भी, वरना कुत्ते के कान फटफटाने पर भी डरते रहोगे। बड़ो लड़ना सीखो, बड़ो लड़ना सीखो, ये सही है कि लड़ने में कटने का भय है,
पर कौन कब तक तुम्हारी ढाल बनता रहेगा? बढ़ो, लड़ना सीखो। लड़ोगे तो मौत को भी मार गिराओगे, वरना गीदड़ से भी डरते रहोगे, और डरते डरते आदमी मर ही जाता है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हुए इसी किताब की तीसरी कविता मैं आपके समक्ष पढ़ती हूँ, जिसका शीर्षक है आज का सिद्धार्थ। घर छोड़कर चला गया सिद्धार्थ, भटक भटक कर बन गया बुद्ध। घर छोड़ने से पहले देखा उसने एक रोगी, एक बूढ़ा, एक बीमार। नहीं देखी गरीबी, नहीं सुना बेकारी का हाहाकार। आज का सिद्धार्थ कहाँ जाएगा भागकर? घर और बाहर फैला है एक जैसा डर। ऐसे में वह सीधे नारा लगाता है इंकलाब का, निर्वाण के बजाय निर्माण के रास्ते पर जाता है। सपना देखता है आफताब का, क्योंकि भोगता है वह सब दुख जिन्हें सिद्धार्थ ने नहीं भोगा। देखता है वह सब जिसे सिद्धार्थ नहीं देखा। तो चलिए इसी किताब की चौथी कविता, जिसका शीर्षक है गुमसुम लड़की। अभी कल तक खिलखिल हंसती, यहाँ से वहाँ तक उधम मचाती फिरती थी लड़की। अभी कल तक खिलखिल हंसती, यहाँ से वहाँ तक उधम मचाती फिरती थी लड़की। बब्बी का झोटा खींच भाग जाती थी, धगज कर खाती थी माँ के टोकते रहने पर भी कि बाबूजी के लिए सब्जी बचा रखनी है। चट कर जाती थी पूरी कढ़ाई, माँ को दादी को मुँह चिढ़ा भाग खड़ी होती थी लड़की जो सपने बुनने लगी। सुंदर सलोने राजकुमार के और सधज कर गीतों और ढोल मजीरों पर सवार ससुराल चली गई। पिया की प्यारी बन गई, ड्राइंग रूम के टीवी, फ्रिज और सोफा। सास की लक्ष्मी बन गई और बन गई ताने। ननद की नकचड़ी भौजी, ससुर का कोप बन गई। हर कमरे की आंगन गलियारी की, इस छोर से उस छोर तक झाड़ू बुहारी बन गई। घर भर को आटा गूंधती, तरकारी काटती, रसोई बन गई। पति की बाट जोती खाना परोसे, भूख बन गई। हाँ ना किए बिना बिस्तर बन गई, और सदा सदा के लिए गुमसुम हो गई। तो चलिए अब इस किताब की पांचवी कविता मैं आपके समक्ष पढ़ती हूँ, जिसका शीर्षक है दुर्गंध फैल गई। उन्होंने कहा बल्ब के 10, पानी के 10, पंखे के 20, टीवी के 25, कूलर के 50, किराया 400, और सांसें थम गई। उन्होंने कहा आधी रात हो गई और रोशनी गुल हो गई। उन्होंने कहा शोर बंद करो, संगीत बिखर गया। उन्होंने कहा छत हिलती है, बच्चे सहम गए। उन्होंने कहा कौन गया था संडास में, दुर्गंध फैल गई। धन्यवाद।